स्टार देंगे पांच में से राम सेतु? पांच में से मैं 10 दूंगा। नहीं, तालिबान सोच वाले डेढ़ स्टार को, भाई तुम स्टार ही क्यों दे रहे हो? तुम्हारे स्टारों की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए क्लब डिस्को बार, और आपको चाहिए पिक्चर के अंदर 4 बोतल बोट का, जो इस राम सेतु में नहीं है। आमिर खान ये मूवी आकर देखिए, और राम सेतु बढ़िया मूवी, और अक्षय कुमार के साथ बैठ के चाय पी पैसा कमाओ, मगर किसी के धर्म का मजाक मत बनाओ। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, जो हमारे धर्म का मजाक बनाए उसकी मूवी देखनी बंद कर दो, अगली पीढ़ी इनकी भूखी मरेगी, यहीं हनुमान जी के मंदिर के बाहर भंडारा खा रही होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि पुरानी सरकारें इसको एडम ब्रिज बता के या राम सेतु ना बोल के तोड़ना चाहती थी। मानव निर्मित है राम सेतु, इसमें प्रमाणित कर दिया गया है, और प्रमाणों के आधार पर आज हमें फिल्में बनानी पड़ रही है। ये बॉलीवुड सीखना शुरू कर दिया है, इनकी घर वापसी हो गई है। ये पिक्चर में जो दिखाई गई है कि कहीं ना कहीं जो राम जी को मानता है पूजता है उसके लिए भगवान हनुमान जी आज भी है। इनकी बुद्धि जो है ना, अब थोड़ा थोड़ा सा लाइन पे आ रही है। जब फिल्म का नाम रख दिया है राम सेतु, मतलब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा राम से है, यानी तू भी राम से है, राम से तू, राम से मैं, सारे राम से हैं। कि एनिमेशन का ज़्यादा प्रयोग यूँ नहीं दिया गया है क्योंकि एक सामाजिक संदेश है। आर्कियोलॉजिकल का प्योर सर्वे इसमें दिखाया गया है, उस सर्वे के दौरान उनके ऊपर कैसे उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट, मुलायम सिंह जैसो ने, वो मुलायम सिंह जैसा एक नेता भी दिखा रखा है इसमें, उसे देखते ही हमें मुलायम सिंह की याद आ जाती है जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, ठीक है ना। उन लोगों ने कैसे जो है राम के अस्तित्व पे जो है प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और ले जा करके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया है, और न्यायालय का उसमें धन्यवाद रहा कि न्यायालय ने माना कि राम सेतु का अस्तित्व वास्तव में है, और यह मानव द्वारा निर्मित एक पुल है जो कि राम जी के जन्म के समय पे था, आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व। मैं इतना ही अपील कर सकता हूं कि हमारे सभी सनातन समाज को एक बार राम सेतु पिक्चर जाके स्वयं से अपने आप देखनी चाहिए। जो लोग सबूत मांगते थे तो वैसे ही अज्ञानी है, उनको आप कुछ भी बना के दे दो अब भी नहीं मानेंगे, वो फिर कोई नया आर्ग्यूमेंट ले आएंगे। हालांकि नासा ने आज से कितने साल पहले ये पिक्चर ऊपर से ली थी सैटेलाइट से, और उसका पूरा का पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया वो कि वो मैनमेड, वो मतलब एक तरह से उस तरीके से नेचुरल हो ही नहीं सकता जिस तरीके से वो बना हुआ है, तो उसमें भी बहुत कुछ प्रूव हो जाता है। नासा सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरिक्ष पर रिसर्च करती है, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया था, लेकिन वो लोग काम माने इस बात को। अपने अपने तरीके से लोग इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म जो है धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म का अस्तित्व ही नहीं है, ये सब बकवासबाजी है, जबकि वो कभी भी इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में और धर्मों के बारे में बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता अगर बोलेंगे तो वो सरतन से जुदा वाली थ्योरी आ जाती है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती बोलने की। हमें वो महात्मा गांधी ने उल्टा पाठ पढ़ा दिया, अहिंसा परमो धर्म, उससे अगला जो लाइन थी वो नहीं बताई उसने कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे ना, आज वो अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं। भारत में उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, या कोई भी हो। प्यार की सबसे बड़ी निशानी हिंदुओं राम सेतु है। फिल्म भी देख के आए और तमिलनाडु जाके राम सेतु के दर्शन भी करके आए। नमस्कार, मैं उर्स वस्त्र, आप देख रहे हो न्यूज हिंदी। हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की मूवी राम सेतु जो है उसको लेकर के तमाम चर्चाएं देश में हो रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो इसके खिलाफ जो है नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से बॉलीवुड जो है वो एक उभरने की कोशिश कर रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राम सेतु जो है बोरिंग फिल्म है और कोई भी जनता इसको देखने के लिए नहीं जा रही है। लेकिन तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे राम सेतु देखने के लिए, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि असली रिव्यू क्या है ग्राउंड जीरो से। सर एक बार नाम बताएंगे अपना? विक्रम राठौर। विक्रम राठौर जी, बताइएगा राम सेतु जो है क्या ऐसा खास आपको लगा कि राम सेतु का सिर्फ नाम देख करके चले गए, ऐसा कुछ लगा कि अंदर जाकर भी वैसा ही दिखा कुछ? देखिए, मूवी का नाम राम सेतु जो रखा हुआ है, काफ़ी सोच समझ के रखा है इन्होंने, जो भी डायरेक्टर हैं या स्क्रिप्ट राइटर हैं, और जो मूवी देखने के बाद जो रिसर्च दिखाया है राम सेतु के ऊपर, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जिससे पता चलता है कि हमारी जो संस्कृति है राम भगवान के टाइम की, उसको किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यूँ कहूँगा कि बीइंग जहाँ पे भगवान राम का नाम है वहाँ श्रद्धा ही काफ़ी होती है, उसके लिए एविडेंस नहीं मांगा जाना चाहिए, लेकिन आर्कियोलॉजिकल जो एक्सपीडिशन है वो एविडेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, अब मैं एक बात करूँगा कि 80 के पीरियड में डॉक्टर एस आर राव थे, उन्होंने जो पुरानी द्वारिका है
जो डूबी हुई द्वारका, उसके ऊपर पूरा एक्सप्लोरेशन किया हुआ था। उसका रिपोर्ट भी डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर आया और उन्होंने उसको साबित कर दिया कि जो लोग कहते थे कि द्वारका डूबी हुई भी नहीं है, सिर्फ मिथक में है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर एस आर राव जो थे 1980 में उन्होंने एक्सपेडिशन किया था पुरानी द्वारका का, तो उन्होंने साबित कर दिया था कि द्वारका 2300 BC मतलब 4300 साल पुराना शहर, पानी के अंदर उसके एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, तो राम सेतु तो उससे भी पुराना है। ठीक है, उसके ऊपर भी सरकार को रिसर्च करना चाहिए। अब उसका रिसर्च उस समय पर डॉक्टर एस आर राव ने भी ये कहा था कि उसका भी नेक्स्ट पार्ट में होगा, लेकिन कुछ कारणों से सरकार इस बात को आगे नहीं बढ़ा पाई। लेकिन इस मूवी में जो फैक्ट दिखाया गया है कि भी राम सेतु के बारे में, वो वाकई में काबिले तारीफ है। पब्लिक को अपनी अगर संस्कृति को समझना है तो ये मूवी एक बार देखनी चाहिए, कि आगे जो न्यू जनरेशन, उनको राम क्या है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, वो पता ही नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे एक एक चीज़ आप लेके चलिए कि आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और जो वाल्मीकि रामायण है और तुलसीदास जी की रामायण, उसमें जो दिखाया गया है उसके जो भी प्रमाण तथ्य हैं वो आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन में भी मिलते हैं। तो इस चीज़ पे विश्वास करना होगा जनता को कि हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है कि उसके लिए अगर हमें कोर्ट के अंदर ये जाके देना पड़े कि भाई हमारा भगवान राम का सेतु का है, उसके लिए हमें सबूत देना होगा, तो ये सबूत वाली जो बात है कोर्ट में, ये वर्डिक चलना ही नहीं चाहिए। मैं तो यूँ कहूँगा कि भगवान राम है उसको सस्नेह स्वीकार किया जाए, उनके जो एविडेंस हैं उनको भी सस्नेह स्वीकार करना चाहिए जनता को। पर जो तथ्य मांगते थे या सबूत मांगते थे, उस तरीके की चीज़ें भी इसमें दिखाई गई कि वो लोग भी माने कि तथ्यों के आधार पर ये साबित किया गया कि राम सेतु जो है वो 7000 साल पहले बना था। देखिए, राम सेतु किसी तथ्य का मोहताज नहीं है, मेरा ये कहना है। ठीक है, लेकिन अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के लिए साइंस वहाँ पे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होता है तो सरकार को वो करना चाहिए, ताकि सत्य जनता के सामने आएगी। आज काफ़ी लोग जैसे ब्रिटिश पीरियड में उन लोगों का ये वो कहते हैं कि ये एडम ब्रिज है, राम का ब्रिज नहीं है। ठीक है, तो भैया मुझे एक बात बताइए कि राम सेतु का कॉन्सेप्ट आया कब से? सिर्फ रामायण में राम सेतु का आया, उससे पहले की जितने भी मतलब विष्णु अवतार हुए उसमें कहीं भी सेतु का बनाने का कोई उसमें कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, लेकिन रामायण के दौरान ही राम सेतु बनने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसका एविडेंस अगर आप नासा की इमेज भी देखो, ठीक है, नासा ने भी प्रूव किया है कि भाई ये यहाँ पे मैन मेड ब्रिज है। ठीक है, तो इसमें अगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, और सरकार को इसको नेशनली मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट कर देना चाहिए। मैं तो कुमार की एक्टिंग कैसी लगी, क्या इस बार वो अपना जो रूप है वो प्रॉपर तरीके से दिखा पाए और एक्टिंग में वो खड़े उतर पाए? देखिए, अक्षय कुमार जी यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका में आए, वो पहली बार है। जनरली वो या तो एक्शन मूवी में आते हैं या तो कॉमेडी में आते हैं, ठीक है, या तो कोई पुलिस ऑफिसर के उसमें आते हैं, लेकिन इसमें वो एक आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका में आए हैं। तो ये भी एक अच्छा है कि आम जनता को पता चले कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आर्कियोलॉजिस्ट नाम की कोई पोस्ट होती है, तो लोग, मैं यूँ कहूँगा कि इससे एक मैसेज जाएगा कि हमारी संस्कृति को एक्सप्लोर करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कर रहा है वो एक, इसको एक मैसेज समझ के चलिए आप, कि अक्षय कुमार जी ने एक मैसेज दिया है कि आप ये प्रोफेशन भी चूज़ कर सकते हैं, कि आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है, लेकिन भारत की संस्कृति को बचाने के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट का होना भी ज़रूरी है, जो प्रूव कर सकता है इस चीज़ को कि सत्य क्या है और गलत क्या है। तो जहाँ पे हमारे जितने भी महाभारत टाइम के, महाभारतकालीन के जो एविडेंस है और रामायण टाइम के एविडेंस है, उसके पहले के जो एविडेंस है, वो एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन से आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये वाकई में हमारी संस्कृति की धरोहर है और संस्कृति की ज़रूरत बचनी चाहिए। कितने स्टार देंगे 5 में से राम सेतु? 5 में से 5 बिल्कुल। दीपक जी बताइएगा कि राम सेतु जो है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि राम सेतु का सिर्फ अक्षय कुमार ने नाम इस्तेमाल किया है, असलियत में राम सेतु में राम सेतु जैसा कुछ नहीं है, इस तरह की चीज़ें बोल रहे थे। आप राम सेतु देख करके आए हैं, क्या वैसा कुछ दिखा? जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक हर महादेव। राम सेतु मूवी बहुत बढ़िया मूवी है। आप कह रहे 5, मैं तो कह रहा हूँ 5 में से मैं 10 दूंगा। अब इन लोग की घर वापसी हो रही है, कहा पता है क्यों? सबको मालूम है कि आमिर खान के चक्कर में, वो कहावत सुनी है कि गेहूं के साथ घुन पीस जाता है, ये बेचारे घुन थे। कौन? ये अक्षय कुमार, आमिर खान, ये आमिर खान बोल रहा, आमिर खान तो चोर है, ये अक्षय कुमार और ये तुम्हारा अजय देवगन। अब ये धीरे धीरे हिंदू संस्कृति की मूवी बनाएंगे, और जो गलत मूवी दिखाएगा, जैसे हिंदू दिखाया सेकुलर हिंदुत्व, एक मूवी दिखाई हिंदुत्व सेकुलर, एक दिखाई आदि पुरुष, वो जिहादी पुरुष दिखाइए। कहा जिहादी समझते हो? से को अगर हम बात ना करें, अभी अगर इसी बात करें राम सेतु पे, तो सही रास्ते पे बॉलीवुड आता दिखाई दे बढ़िया। सही रास्ते नहीं, अभी नहीं आया, अभी करण जौहर की फिरकी लेनी पड़ेगी, बात हो गई। हाँ, अभी है 3-4 लोंडे हैं, उनकी फिरकी लेंगे, क्योंकि पैसा हमारा है, ये हमारे पैसों से पल रहे हैं। कौन? आप मूवी देखते हो, ये लोग मूवी देखते हैं, तो ये हमारे पैसों से पल रहे हैं। इनके बाप दादा की औकात नहीं थे, सब गरीब थे, ये नंगे पुंगे थे। हम लोग 200 रुपए की पिक्चर देखते हैं ना, तो ये लोग ओडी और मर्सिडीज में घूमते हैं। इनकी मूवी देखनी बंद कर दो, बैटरी रिक्शा में घूमेंगे दिल्ली में लोग, क्योंकि इनको पैसा हम ही लोग देते हैं। और जितना ये गरीबों का मजाक बनाते हैं ना, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, जो हमारे धर्म का मजाक बनाए उसकी मूवी देखनी बंद कर दो, अगली पीढ़ी इनकी भूखी मरेगी, यहीं हनुमान जी के मंदिर के बाहर भंडारा खा रही होगी।
पता क्यों? क्योंकि हम लोग पैसा खर्च करते हैं तो 200-500 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, मगर हमारे धर्म का मजाक बनाएंगे तो उई गोला में भेज दिया जाएगा जू गोला से आए हैं। आमिर खान ये मूवी आकर देखिए, और राम सेतु बढ़िया मूवी, और अक्षय कुमार के साथ बैठ के चाय पी पैसा कमाओ, मगर किसी के धर्म का मजाक मत बनाओ, और बनाओगे तो उई गोला में भेज देंगे जू गोला से आया था लंगा पुंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अब भी राम सेतु जो है वो देख कर क्या है, राम सेतु में ऐसा क्या था कि तमाम जो लोग हैं उनके अंदर अलग जोश दिखाई दे रहा है राम सेतु देखने का? क्या नाम बताया फिल्म का? राम सेतु। जब सबसे पहले लिखा है और फिल्म का नाम है राम सेतु, हिंदुस्तान राम से है, और इस फिल्म के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनकी बुद्धि जो है ना अब थोड़ा थोड़ा सा लाइन पे आ रही है। जब फिल्म का नाम रख दिया है राम सेतु, मतलब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा राम से है, यानी तू भी राम से है, राम से तू, राम से मैं, सारे राम से हैं। जितनी भी गैंग थी राम के अस्तित्व को, राम के अस्तित्व को चुनौती देने वाली, सवाल उन पे आता है कि आप साबित करो कि राम का अस्तित्व था या नहीं। करोड़ों लोगों की भावनाएं कभी साबित नहीं करेंगी, क्योंकि करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं राम से तू, जो लंका से भारत का रास्ता जोड़ने का काम कर रहा है, वही सबसे बड़ा सबूत है भारत की हर जनता के लिए कि राम से ही तू है, राम से ही अस्तित्व है, राम से ही सब कुछ है। जब राम से तुम प्रश्न करोगे या राम के अनुयायियों से प्रश्न करोगे तो उसी प्रकार मिट्टी में मिलाए जाओगे, जिस प्रकार इस फिल्म के अंदर एक हेलीकॉप्टर के अंदर वो बिटिया बोलती है ना कि आई डोंट केयर, वापस चलो, वो तुरंत राम में मिला दी गई थी, हवा में उड़ा दी गई थी। राम सेतु जो है उसके अंदर दिखाता है अक्षय कुमार तो नास्तिक है, वो कहते हैं मैं नहीं मानता हूँ धर्म, जो है धर्म तो तोड़ने का काम करता है, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो पलट गए और फिर उनको श्रीराम दिखने लगे? देखो इस फिल्म के माध्यम से जो अक्षय कुमार ने बताया वो बॉलीवुड की सच्चाई बताई है कि वास्तविकता में बॉलीवुड के लोग नास्तिक थे, और इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने अपनी घर वापसी दिखा दी कि मैं भी अवस्था को मान गया हूँ। उसी प्रकार जिस प्रकार एपी का रोल दिखाया इसमें अंजनी पुत्र, जिस प्रकार अंजनी पुत्र आए हैं स्वयं साक्षात हनुमान जी के दर्शन करवाना और हनुमान जी के द्वारा रास्ता दिखाना, ये साबित करता है उन नास्तिकों के लिए कि राम से तू है, राम से तू है, लेकिन राम के अस्तित्व पे तू सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं जुड़ी हुई हैं। कोर्ट में जो अस्तित्व के सवाल मांगे किए जा रहे थे और एक आ जा रहा था कि राम से तू अगर है तो साबित करो कि ये किसी ने मैन मेड बनाया है, ये तो प्राकृतिक था, अपने आप बन गया है, उन लोगों को जवाब मिला क्या? देखिए कोर्ट में इसमें भी एक बात बोली गई कि जिसको लगता है कि राम से तू काल्पनिक है या प्राकृतिक है तो वो लोग साबित करें, लेकिन ये 100 करोड़ से ज़्यादा की जो जनता है जिन्होंने कितने ऐसे साक्ष्य दिए हैं और कितने हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि लंका से लेके और भारत की पावन भूमि तक कितने ऐसे साक्ष्य हैं जो राम से जुड़े हैं, राम से जुड़ा यहाँ का हर एक बच्चा है, इस चीज़ को कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया कि जिसको शक है वो ही साबित करे, लेकिन करोड़ों लोगों की भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुँचा सकते हैं। पांच में से कितने स्टार देंगे? 5 में से स्टार केवल 3 दूंगा, क्योंकि इसमें घर वापसी जो की है वो केवल इन्हीं के लिए है कि इसी प्रकार सभी घर वापसी कर लें, क्योंकि हम लोग तो अपने घर में बहुत खुश हैं और आप जैसे नास्तिकों को चुनौती देने का काम लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है हेमा यादव। कुछ लोग जो है पहले सवाल किया करते थे और कहते थे राम का अस्तित्व जो है वो अगर है तो कोर्ट में साबित करो, क्या उन लोगों को आज के समय में जवाब मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आपको प्रूफ चाहिए कि क्या प्रूफ लेना चाहोगे? भगवान का कोई प्रूफ नहीं होता, वो सिर्फ परिणाम आपको दिखेगा जरूर आगे ना पीछे कल। बॉलीवुड जो एक टाइम पर मजाक बनाया करता था सनातन धर्म का, आज वो बॉलीवुड सनातन की ओर लौट रहा है, क्या ऐसी वजह है? अब पाप का अंत तो होता ही है ना, अंत हो रहा है पाप का, बस यही समझ में आ रही है बॉलीवुड को? बिल्कुल समझ में आ रहा है सब कुछ, मैं खुद एक हिंदू परिवार से हूँ, मुझे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मेरा तो राम में बिल्कुल बिलीव है और होगा, बुरे लोगों का अंत जरूर होता है, आज नहीं तो कल होगा, होगा ये तय है, होगा होगा होगा। जिस तरीके का भाईचारा मूवीज में दिखाया जाता था वैसा ग्राउंड पे होता है? बिल्कुल नहीं होता, जिस तरीके से लोग दिखाते हैं कि हम अपने हैं बिल्कुल नहीं है। मैं बैंक में काम करती हूँ, मैंने खुद फेस किए हैं, लोगों को बराबर फेस करती हूँ, लोग मिलते हैं अच्छे बुरे, लेकिन आज भी वो प्यार नहीं है जो दिखाया जाता है मूवियों में। आपको सिर्फ राम राम बोलने के लिए बोला जाएगा, पीठ पीछे आपके छुरा घोपा जाएगा।
सर आप लोग भी राम सेतु देख करके आए हैं, क्या ऐसा लगा राम सेतु में जो इस बार अक्षय कुमार ने कुछ नया करने की कोशिश की है या फिर घिसी पिटी स्टोरी है? सर मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों पे। तो मैं यही कहूँगा कि ये पिक्चर में जो दिखाई गई है कि कहीं ना कहीं हमारे भगवान है, कहीं ना कहीं हमारे भगवान है, इसीलिए हमारे भगवान के रूप में कि जो राम जी को मानता है पूजता है उसके लिए भगवान हनुमान जी आज भी हैं। जो हनुमान जी का उनमें किरदार दिखाया गया है एक मनुष्य रूप में दिखाया गया है कि ये भगवान राम सेतु की खोजबीन करने वाला बंदा भगवान की सच्चाई दिखाएगा, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने मदद किया, एपी ने मदद किया और एपी का जो रूल है वो भगवान हनुमान जी का रूल है। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मूवी बनाई और अक्षय कुमार ने कुछ गलतियां की हैं, इस मूवी से इस मैसेज जाता है कि जल्दी से जल्दी घर वापसी कर लो नहीं तो आने वाले टाइम पे हिंदू जाग चुका है, बर्बादी आ सकती है। सनातन धर्म का मजाक बनाया करते थे, आज उनको सनातन धर्म की ओर लौटना पड़ रहा है, क्या ऐसी वजह मानते हैं? देखो वजह इसलिए है कि भाई देखो कहीं ना कहीं तो भगवान है, कहीं ना कहीं भगवान है, इसीलिए सनातन धर्म का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है, इसलिए नहीं ठीक है। अगर मजाक उठाए, देखो भगवान किसी भी इंसान के अंदर हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि भगवान एक अपने असली रूप में आके दिखाएं, आपके अंदर भी हो सकते हैं, हमारे अंदर हो सकते हैं, किसी के अंदर भी हो सकते हैं। तो एक जो बंदा उसमें जिसको दिखाया गया वो डायरी में नोट करता है, अपने वो डायरी में क्या नोट करता है किसी को नहीं मालूम चलता है, जब वो डायरी खुलती है लास्ट के पिक्चर में तो क्या लिखा होता है, जय श्री राम लिखा होता है। हनुमान खुद आए थे मदद करने के लिए और भगवान राम के प्रमाण करने के लिए कि हाँ भगवान है इस पृथ्वी पे, कहीं नहीं कहीं ना कहीं भगवान है हमारे, तो इसको मानना जरूरी है और कि मानो सनातन धर्म को कि कहीं ना कहीं हमारे भगवान है। से कितने स्टार राम से तू? पूरे के पूरे 5 हैं और ज्यादा उनको मिले मैं तो चाहूंगा कि बहुत अच्छी चले ये मूवी। तो बोरिंग है इस मूवी में, स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है, अक्षय कुमार एक्टिंग नहीं कर पाए। एक चीज बताए, जो कोई सामाजिक समझदार मूवी बनती है जिसको बोलते हैं ना कि एक लाइन पे एक टॉपिक पे टॉपिक बन रही है ना, तो लोगों को लगे, हमेशा लोग देखते हैं एक्शन मार धाड़ ये सब देखते हैं वो, इसलिए उनको अच्छा लगता है। एक समाजधार सामाजिक मूवी बनी हुई है, ये भगवान के ऊपर बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बोर नहीं है, बहुत अच्छी मूवी है। ये गाना भी नहीं डाला उसमें, गाने की जरूरत क्या है यार, इसमें भगवान की मूवी में गाने की जरूरत क्या है? अरे गाने के क्या मान लाएगी, रजिया गुंडों में फंस गई, ऐसे भी गाना लाट डाल दो उसमें, कोई गाने चला, अगर गाना चला तो देखो कितना बढ़िया गाना चला, हनुमान चालीसा चला नहीं लास्ट में, चला कि नहीं चला? इस टाइम पर जहाँ तमाम मूवी फ्लॉप होती जा रही है, इस मूवी को कमाई अच्छी खासी कमाई मिल रही है, क्या ऐसी वजह है कि इतनी कमाई इसकी? देखो कमाई क्यों नहीं मिलेगी, अगर किसी धर्म पे बनी हुई है, भगवान को प्रूव कि हाँ राम सेतु जो पुल है उसको आइटम ब्रिज बना रहे हैं, भगवान राम ने बनाया उसको आइटम ब्रिज बना रहे हैं, कौन पागल बनती है बताइए, भगवान का बनाया हुआ चीज को आइटम ब्रिज बना रहे हैं। जब भगवान कोई भी औरत उसमें लास्ट में कोई भी किसी को भी अपहरण किया जाएगा और कोई लेके जाएगा तो ऐसा ही इंसान किसी न किसी पुल बना के अपनी स्त्रियों को बचाने के लिए जरूर जाएगा। सर ये बताइएगा कि इसमें ये कहा जा रहा है राम सेतु में कि कई ऐसी प्रेम की निशानियां, जैसे ताजमहल को बताया जाता है, कुतुब मीनार हार की निशानी है, उसके बाद भी संजोया गया, तो राम सेतु को क्यों तोड़ दिया जाए, आप भी ऐसा कुछ मानते हैं? देखिए इसमें मूवी में जो सबसे पहले दिखाया गया कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तहत जब कांग्रेस की सरकार हमारे देश में थी तो उसने राम सेतु के अस्तित्व पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाया और सुप्रीम कोर्ट में लाकर कटघरे में हमारे प्रभु श्री राम के अस्तित्व को रखा इस राम सेतु के चलते। अपने एक दो चार कंपनियों से साठ गांठ, अपनी जो काला धन आदि कमाने के कुछ लालच में, जबकि आपने देखा कि इसमें मूवी में सबसे शुरुआत में अफगानिस्तान में बौद्ध प्रतिमा को भी किस तरह से तोड़ा गया, कैसे जिहाद का असली रूप इसमें दिखाया गया, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात रही वह जो राम सेतु है, वह प्रतीक है कि कैसे जब अपनी एक नारी जो हमारी अर्धांगनी होती है, वो अर्धांगनी पर जब कोई बात आए, जब कोई आपदा आ जाती है, तो चाहे सात समुंदर पार भी जाना पड़े
तो उसके लिए भी उसके जो पति है, जो परमेश्वर है, वह उसके लिए कभी भी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उस हमारे सनातन धर्म में सिखाया गया है कि एक ही जो हमारी अर्धांगनी होती है उसकी रक्षा करना, सात वचन लेकर हमने उससे विवाह किया है, उसकी रक्षा करना हमारा जो है धर्म बनता है। तो राम सेतु भी श्री राम जी ने इसीलिए बनाया था, माता सीता जी को लंका से वापस लाने के लिए, रावण ने जिनको अपहरण करके रखा था उनको वहाँ से चंगुल से छुड़ाने के लिए। दूसरा रही राम सेतु अस्तित्व को कोर्ट में उठाने की, बड़ी निशानी, मतलब ताजमहल से भी बड़ी प्रेम की निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी, और इसको कोर्ट में ले जाना बहुत बड़ी मूर्खता है। मथुरा में एक मंदिर है पागल बाबा का मंदिर, मथुरा में आप जानते हैं एक मंदिर है पागल बाबा का मंदिर, मेरे कई हिंदू समाज के भाई जानते होंगे उसका इतिहास। वो पागल बाबा कौन है? वो है एक जज साहब, सुन ले कान खोल के सब हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय जी, वो पागल बाबा कोई और नहीं है, वो भी एक जज साहब है जिन्होंने एक भक्त जन को, ठीक है ना, जो प्रभु हरि के भक्त जन थे उनको कटघरे में जब लाके खड़ा किया तो उन्होंने कह दिया कि जी मेरे तो गवाही हरि देखे आकर के देंगे। तब उसने जज ने खुद ये जाना था कि जो गवाही दे करके गए थे वो स्वयं हरि आए थे गवाही देने के लिए, क्योंकि उनका संबंध ही मंदिर में गया था, भगवान के चरणों में पंडित जी ने रख दिया था। यह साक्षात प्रमाण है इसके, पागल बाबा मंदिर के, ठीक है ना, मथुरा में आप जा कर के देखना। तो वो उनका नाम ही पागल बाबा इसलिए पड़ा क्योंकि वे उस मंदिर में आते थे जो जज साहब थे, लेकिन अंदर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया कि जिसने सृष्टि बनाई, जिसने हम सबको बनाया, उसी के अस्तित्व को मैंने जो है मतलब कि उसको कटघरे में ला करके मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है ना। कि पुष्पक शिपिंग नाम से कंपनी है जो राम सेतु को तोड़ना चाहती है, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट देकर पैसा दे करके अक्षय कुमार को आगे भेजती है, लेकिन अक्षय कुमार की स्टोरी कुछ और ही निकलती है, और लास्ट में जाके वो राम सेतु को साबित कर रहे हैं, तो क्या उनको वो चीज़ें मिल गई? देखिए, अक्षय कुमार ने इसमें सबसे शुरू में अपना नास्तिक का रोल दिखाया था, और प्रभु ने कई जगह हमारे वर्णन भी किया है, हमने सुना है कि भाई सच्चा नास्तिक भी आगे चल के एक सच्चा भक्त बनता है, क्योंकि वह प्रमाण को मानता है, और प्रमाण हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं आप अगर देखेंगे तो प्रमाण एक से एक है। राम सेतु का इतिहास आप देखेंगे, ईसा 1485 तक वह राम सेतु समुद्र तल पर था, 1485 तक वह समुद्र तल पर था। उसके अगर आप यह भी प्रमाण देखेंगे तो राम सेतु का जो है प्रतिमा श्रीलंका के पौराणिक सिक्कों पर मिलती थी, राम सेतु की जो प्रतिमा होती थी। तो प्रमाण तो हमारे यहाँ उठ उठ के गवाही देते हैं। अक्षय कुमार ने यही तो कहा कि हमारे यहाँ पे एक रोड बनती है, वो टूट जाती है, गायब हो जाती है, वाड्रा जैसी कंपनियाँ ज़मीनें खा जाती हैं किसानों की, ठीक है ना। तो यहाँ तुम 7000 साल पुराना जो है अस्तित्व जो है कोर्ट में ला करके पूछ रहे हो भाई, है? तो पिक्चर ने बहुत बढ़िया संदेश दिया है। रही बात जो एक थोड़ी सी पब्लिक की, हम भी सोच रहे थे कि इसमें थोड़ी और ज़्यादा एनिमेशन वगैरह, वो इस वजह से नहीं दिया है क्योंकि एनिमेशन का ज़्यादा प्रयोग यूँ नहीं दिया गया है क्योंकि एक सामाजिक संदेश है। आर्कियोलॉजिकल का प्योर सर्वे इसमें दिखाया गया है, उस सर्वे के दौरान उनके ऊपर कैसे उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट, मुलायम सिंह जैसो ने, वो मुलायम सिंह जैसा एक नेता भी दिखा रखा है इसमें, उसे देखते ही हमें मुलायम सिंह की याद आ जाती है जिसने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, ठीक है ना। उन लोगों ने कैसे जो है राम के अस्तित्व पे जो है प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और ले जा करके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया है, और न्यायालय का उसमें धन्यवाद रहा कि न्यायालय ने माना कि राम सेतु का अस्तित्व वास्तव में है, और यह मानव द्वारा निर्मित एक पुल है जो कि राम जी के जन्म के समय पे था, आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। तो अगर जो आप इस पिक्चर की बात करते हैं तो मैं इस पिक्चर को, आप रैंकिंग वगैरह की बात कहते हैं तो देखिए, देखिए जो ये सामाजिक संदेश वाली पिक्चर है इसको अगर हम रैंकिंग के आधार पे देखेंगे
तो मैं इसको शायद रैंकिंग नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा सामाजिक संदेश है। मैं इतना ही अपील कर सकता हूं कि हमारे सभी सनातन समाज को एक बार राम सेतु पिक्चर जाके स्वयं से अपने आप देखनी चाहिए। विजय भाई, आप राम सेतु देख करके आए हैं, क्या ऐसा लगा राम सेतु में कि आप लोग जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, आगे जो है लोगों को देखने के लिए कह रहे हैं? देखो, मैं बिल्कुल थोड़ा सा बोलूँगा, जैसे आजकल वो सो कूल जो लड़के हैं कॉलेज स्कूलों के, जो बहनें हैं हमारी और कुछ हमारी माताएं हैं, वो इस पिक्चर को देख करके व्यू देते, थोड़ी सी बोरिंग पिक्चर है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, भाई आप ना एक बार ये सोच करके देखो, हिंदू सनातनी कौन है आप एक बार सोचो, क्योंकि आप लोग ना एक तो अपने पेरेंट्सों की पढ़ाई पैसों के उस पर पढ़ाई कर रहे हो, ऐस मौज मस्ती कर रहे हो, आपको चाहिए क्लब डिस्को बार, और आपको चाहिए पिक्चर के अंदर चार बोतल बोट का, जो इस राम सेतु में नहीं है, बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं है। लेकिन राम सेतु पिक्चर के अंदर यह बताया गया है कि अगर आप मन से और तन से अगर ध्यान लगाओगे ना राम के बारे में, तो आपको पता लगेगा हमारे सबूतों के बारे में, हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर। जब हर समय हर साल कोई ना कोई नेता राजनेता जो बड़े बड़े ताकतवर आदमी हैं जो सवाल उठाते रहते हैं, बीच में कहते हैं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने हमारे भगवान राम के बारे में टिप्पणी करी कि काल्पनिक बोला, आज वो गांधी परिवार अपना अस्तित्व जीरो हो चुकी है और वो लोग अपने भारत जोड़ो निकल गए। भाई साहब, मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो युवा पीढ़ी देख रही है इस पिक्चर को, भाई आप थोड़ा इस पिक्चर को ना उस ढंग से मत देखना कि आपको चार बोतल वोडका और हनी सिंह का कोई गाना आएगा, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें राम जी के बारे में बताया गया, राम जी के प्रमाणों के बारे में बताया, राम सेतु के बारे में बताया गया है। कितने स्टार? मैं इस पिक्चर पर भी स्टार बोलेंगे, सबसे बेकार बात है कि भाई साहब पांच में से कितने स्टार, इस डेढ़ स्टार दे रहे हैं, कह रहे कुछ बीएफएक्स नहीं है, गाना जानना नहीं चाह रहे वो डेढ़ स्टार वाले, या तो वही हैं तालिबान सोच वाले, बोला अक्षय कुमार ने तालिबान सोच वाले डेढ़ स्टार को, भाई तुम स्टार ही क्यों दे रहे हो, तुम्हारे स्टारों की जरूरत नहीं है। जय श्री राम। सुमित भाई, बताइएगा कि इस फिल्म के अंदर जो कोशिश की जा रही थी कि राम सेतु को काल्पनिक साबित कर दिया जाए और राम के अस्तित्व को काल्पनिक साबित कर दिया जाए, राम सेतु को ये कह दिया जाए कि राम के जन्म से पहले ही बन चुका था, अंत तक साबित नहीं हो पाए, क्या ऐसी वजह? जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे ना, आज वो अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं। भारत में उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो या कोई भी हो, ये अपने अस्तित्व की ही खोज में लगे हैं। राम तो मतलब एक तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको अगर कोई जानने की कोशिश करे ना तो वो बहुत बड़ी सीख है। धरती के हर जगह पर राम मिलते हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आज सोनिया गांधी खुद सरकार में नहीं है। राम सेतु पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था पर हार गए थे। मैं यही कहूँगा कि राम सेतु या राम एक तरीके से हिंदुत्व की जड़ है। पॉलिटिकल विल भी क्या दिखाई गई है कि उस समय की सरकार जो है वो साबित करना चाहती थी कि राम सेतु वो जो है वो इस तरीके की निकल जाए और इसको तोड़ दिया जाए। इनका तो नाम भी बदला गया था राम सेतु का, आपने मूवी में देखा होगा ना, एडम और आदम दो नाम, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दिखाया था कि इसका राम सेतु नाम नहीं है, एडम और आदम है। जबकि 1400-200 साल पहले जब अंग्रेज आए थे, जैसे किसी का नामकरण चेंज होता है ना, नाम चेंज किया, तो क्या एडम का वहाँ पर कोई सबूत मिला? तो मैडम का ही सबूत दे देते, आदम का ही सबूत दे देते कि वहाँ से पार करके सबूतों के आधार पर राम सेतु को साबित कर दिया, सबूतों के आधार पर साबित किया है। और मतलब भारत का कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो अपने आप को राम का ही वंशज माने। क्या नाम आपका? रजनीश शर्मा। बताइएगा कि पिक्चर तो नहीं देखी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि राम सेतु के अस्तित्व पे सबसे पहले जो सवाल उठाया गया था वो करुणा निधि की सरकार ने उठाया था, जहाँ पर उन्होंने जो है उसको तोड़ने की कोशिश की थी। उसके बाद ये पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा, और उसके बाद कांग्रेस के उस टाइम सरकार थी, उन्होंने कोर्ट में ये पिटीशन अपना एफिडेविट दिया था कि राम सेतु का कोई राम का ही अस्तित्व नहीं है कोई, राम सेतु की तो बात छोड़ो, राम सेतु कैसे हो सकता है, वो कहते हैं राम का ही अस्तित्व नहीं है कोई। तो ऐसे लोगों के मुंह पे ये तमाचा है पिक्चर ये, और ऐसे लोगों के मुंह पे हम सनातनी जितने भी सनातनी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे मुंह पे लोगों के मुंह पे अपने वोट से बराबर तमाचा मारते रहो, और बार बार मारो, इतना मारो कि इन सबको एहसास हो जाए कि राम क्या सनातन का अस्तित्व चिरकाल से मौजूद है और हमेशा रहेगा। चिंता हो स्वत्व कोई हो, तू त्याग तब से काम ले, पाप है पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ तो हाथ है। ये मैं सब सनातनियों के लोग उनको वक्त आ गया कि सनातन धर्म के जो भी लोग हैं वो अपनी अपनी शक्ति को पहचाने और अपने धर्म के लिए अब जागृत हो जाएं, ये बहुत जरूरी है।
अभी भी बहुत सी ऐसे मेरे भाई ने अभी कहा कि जो विदेशी ताकतें हैं वो भी अभी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से जो है ये सनातन की फेवर करने वाली सरकार है इसको हटा दिया जाए। बहुत सी ताकतें अभी भी हमारे देश में इस तरह के छल कपट कर रही हैं और हम लोग जो हैं वो सनातन धर्म के लोग, आपने देखा अभी वो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति छापने लग पड़ा, जो पहले जो है वो ये कहता था कि राम मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरी माँ नानी कहती थी कि वहाँ तो हॉस्पिटल बना दो, वो बंदा जो है आज सनातन धर्म के इसमें इन्फ्लुएंस में आके कहता है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति छापो फोटो पे। जो लोग राम सेतु पे सवाल उठा रहे थे और राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे, क्या आज उनका अस्तित्व भी खतरे में है? नहीं, उनका अस्तित्व खतरे में अभी तो नहीं है, अभी भी जो है हिंदू जो सनातन धर्मी पूरी तरह जागृत नहीं हुआ है। आप देखो कि कितने लोग हैं सनातन धर्मी जो हैं वो ऐसे लोगों को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनको वोट करते हैं, चाहे वो राजनीति के लिए ही करते हो, उनको भी अभी भी क्योंकि आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज़ के विरुद्ध बोलने वाले होंगे और हिंदू होंगे। मैं आपको ये बात बताऊं, अभी भी पूरी तरह जो है ये लोग ख़त्म नहीं हुए हैं सनातन धर्म में, अपने आप में ही हमारे लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नकारते हैं। सबूत मांगते थे उनके लिए ऐसी फिल्म जो है वो एक बड़ा मैसेज है कि सबूतों के आधार पर राम सेतु की पूरी तरह से दिखाएं। जो लोग सबूत मांगते थे तो वैसे ही अज्ञानी है, उनको आप कुछ भी बना के दे दो अब भी नहीं मानेंगे वो फिर कोई नया आर्ग्यूमेंट ले आएंगे। हालांकि नासा ने आज से कितने साल पहले ये पिक्चर ऊपर से ली थी सैटेलाइट से और उसका पूरा का पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया वो कि वो मैनमेड, वो मतलब एक तरह से उस तरीके से नेचुरल हो ही नहीं सकता जिस तरीके से वो बना हुआ है, तो उसमें भी बहुत कुछ प्रूव हो जाता है। नासा सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरिक्ष पर रिसर्च करती है, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया था लेकिन वो लोग कहाँ माने इस बात को, राम के अस्तित्व को नकारते हैं। कितने सबूत मिल चुके हैं आज तक राम के, कार्बन डेटिंग हो चुकी है कई जगहों पे जहाँ पे राम के अस्तित्व की पहचाने हैं। अगर समझे तो ऐसी क्या वजह थी कि राम को अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे थे और ये भारत में ही ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि राम का अस्तित्व है ना राम सेतु का अस्तित्व है, ये क्या वजह थी कि वो क्यों ऐसा कर रहे? ये वजह यही थी कि आप सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते हो किसी ना किसी तरीके से और ये बहुत टाइम से कोशिश होती रही है और बहुत से लोगों ने कोशिश किया डिफरेंट तरीके से, अपने अपने तरीके से लोग इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म जो है धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म का अस्तित्व ही नहीं है, ये सब बकवासबाजी है, जबकि वो कभी भी इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में और धर्मों के बारे में ये बात नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता अगर बोलेंगे तो वो सर तन से जुदा वाली थ्योरी आ जाती है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती बोलने की। हिंदू जो है वो सहिष्णु है, हमें वो महात्मा गांधी ने उल्टा पाठ पढ़ा दिया अहिंसा परमो धर्मा, उससे अगला जो लाइन थी वो नहीं बताई उसने कि अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म के लिए धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी धर्म है। तो हम लोग जो है वो कृष्ण का संदेश ही भूल गए जो गीता में उन्होंने कहा था कि धर्म, अर्जुन को जब कहा था कि भैया ये सामने जो खड़े हैं ना इनका कोई अस्तित्व नहीं, धर्म की रक्षा के लिए इन पर तीर चलाओ, इनको मारो। तो आज हमारे हिंदुओं को ये समझने की ये टाइम आ गया कि हम लोग उसको पूरी तरह समझें कि सनातन में जो है ना हर एक देवी देवता के हाथ में शास्त्र है तो शस्त्र भी है, हर एक राम के हाथ में धनुष बाण है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, दुर्गा के हाथ में तलवार है, तो इसलिए है कि धर्म की रक्षा के लिए जब उसको उठाना पड़े तो उसको उठाओ, अपने को जागृत करो और पूरी तरह से जो है अपने धर्म की रक्षा के लिए सचेत रहो और कोई बंदा तुम्हारे देश धर्म के बारे में गलत बोलता है, कुछ भी बोलता है, उसको काउंटर करो। हमें दूसरे धर्म खासतौर पर इस्लाम के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लोगों की जानकारी बहुत कम है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करो, पढ़ो आप कुरान को, पता चलेगा आपको कुरान में क्या क्या लिखा हुआ है, आपको उसके बाद आप उनको काउंटर कर सकते हो। अभी काउंटर करते हैं तो कैसे तिल मिलाते हैं, आपने देखा टीवी पे जब मौलाना आते हैं डिबेट पे, उनके जब डिबेट्स पे उनके आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं उनकी कैसी मिर्चें लगती हैं क्योंकि वो सच्चाई बोलते हैं लोग जिन्होंने पढ़िया। अब मैं हरेक हिंदू को आह्वान करता हूँ कि कुरान जरूर पढ़े ताकि आप उनके उनके जो दुष्प्रचार है उसको काउंटर कर सको। आप मूवी बननी चाहिए जो राम सेतु के, राम के अस्तित्व के तमाम जो लोग हैं इस तरीके की चीज़ें हो ताकि सनातन समाज तमाम लोग जागरूक हो। हर उस चीज़ पे मूवी बननी चाहिए, हर उस चीज़ पे डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए जिस पे जो भी कोई डाउट्स हैं वो क्लियरिफाई हों, क्लियर हों। तो ऐसे बहुत सी कंट्रोवर्सी हैं, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या जिसको दबा दिया गया उस पर भी पिक्चर बननी चाहिए और उस इन सब चीज़ों को बाहर निकालना चाहिए ताकि पता चले कि जो एक परिवार ने हमारे देश में जो है ना फ्रॉड किया ना हमारे देश के साथ वो सब बाहर आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामेश्वर आर्य जी, बताइएगा कि ये जो मूवी है इसको अगर शॉर्ट में समझे सिर्फ एक से डेढ़ मिनट के अंदर, क्या ऐसी स्टोरी है कि लोग इतना इंटरेस्टेड हो रहे हैं और ऐसे बॉलीवुड जो एक तरफ से दबता जा रहा था उस बॉलीवुड में इस फिल्म को जो है सपोर्ट मिल रहा है? आप राम सेतु में कोर्ट की जजमेंट सुन लो, जज साहब ने कहा है कि प्रभु श्री राम को मानने वाले तो भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उनको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, जो उन पर प्रश्न उठा रहे हैं वो प्रमाण दें कि वो हैं कि नहीं है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की भी छुट्टी होती है सर, रामनवमी पे, विजयदशमी पे, आप समझिए। राम तो यहाँ का मतलब महापुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से इस देश में, मतलब देखो नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों के बाद क्या होता है, रामनवमी, विजयदशमी,
और उसके बाद 20 दिन बाद दिवाली, दीपावली भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है, जब बड़े बड़े जो ऑफिसेज हैं वो भी गिफ्ट देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, किसी को बोनस देते हैं, किसी की सैलरी बढ़ाते हैं। वो उसमें दिखाया गया है कि राम में उसका बच्चा विश्वास करता है, बुक पढ़ता है, अंजनी पुत्र एपी रख दिया उसका नाम, शॉर्ट फॉर्म में आ गया वो लड़का हनुमान बन के। उसमें एविडेंस दिखाया गया है कि राम है और हमारे आसपास उनकी सेना भी है, पर इसे जानने की ज़रूरत है। ये धर्म का देश है, अध्यात्म का देश है, प्रभु श्री राम का देश है, और मैं कहता हूँ जजमेंट को अगर कोई सुन लेगा ना, उसमें वो एविडेंस सारे मिल जाएंगे उसे। ऐसा दिखाएगा कि अगर कोई राम के कार्य के लिए आगे बढ़ता है या राम के अस्तित्व के सबूत ढूंढने के लिए या इस तरीके के काम करता है, राम के हित में काम करता है, देश हित में काम करता है, तो हनुमान जी खुद आकर के मदद के लिए आगे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो राम की राह पर चलेगा, प्रभु हनुमान जी हैं, विघ्न हरता है, वो विघ्न हरेंगे और साथ खड़े हो जाएंगे आके। इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है, आप आगे तो बढ़ो धर्म की राह पे। अरे राम तो सबको तार देते हैं, ये फिल्म भी तर गई, वो पत्थर तो तर ही रहा था, पत्थर के बहाने देखो कितना कुछ हुआ। वो एविडेंस है कि आज भी पत्थर तैरते हैं और वो मैन मेड है, मानव निर्मित है राम सेतु, इसमें प्रमाणित कर दिया गया है। और प्रमाणों के आधार पे आज हमें फिल्में बनानी पड़ रही है, ये बॉलीवुड सीखना शुरू कर दिया है, इनकी घर वापसी हो गई है, नहीं तो ये जिहादी वुड बन चुका था, उर्दू वुड बन चुका था, दाऊद वुड बन चुका था, एजेंडा चलता था। अब सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा, सनातन धर्म का एजेंडा चलेगा। ये उसकी प्रमाणिक फिल्म है कि आप प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, उसके प्रमाण उपलब्ध हैं। सिर्फ भारत में नहीं, श्रीलंका में भी, श्रीलंका में तो राम के चित्रों की करेंसी चलती थी, और उसके अलावा 1960 तक ये जो आपको आप दिखा रहे थे ना, 6 इंच नीचे है पानी, 6, ये साफ दिखता था, राम सेतु एकदम क्लियर दिखता था, इसमें दिखाया नहीं गया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, और भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मैं कहता हूँ कि इसके और प्रमाण जनता के सामने लाए, म्यूजियम बनाए। एक बात और सर, भारत की राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए राम सेतु को, जो कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं मोदी सरकार को भारत की राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया कि पुरानी सरकारें इसको एडम ब्रिज बता के या राम सेतु ना बोल के तोड़ना चाहती थी। परमाणु बम तैयार होता है, विदेशी ताकतें इसमें इन्वॉल्व थी, और भारत के गद्दार राजनेता इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी तरफ इशारा किया गया है। इस तथ्य को भी दिखाया गया है, पर खुल के नहीं दिखाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। सर, ये बताइएगा कि राम सेतु पर जो लोग सवाल उठा रहे थे और लगातार कोशिश कर रहे थे कि इसके अस्तित्व को जो है नकार दिया जाए, तोड़ दिया जाए, क्या वो कभी कामयाब होने वाले थे असली ज़िंदगी में भी और मूवी के अंदर भी? देखो, मोदी जी आ गए तो वो सारे नाकामयाब हो गए। अब हिंदुओं की सरकार चलेगी, मोदी जी के बाद आएंगे योगी जी, और 50 साल तक तो भूल जाओ कि हिंदुओं के अलावा कोई और सरकार बना लेगा। अब सिर्फ हिंदू राज करेगा इस देश पे। हम जान चुके हैं, जाग चुके हैं, जो हिंदू इसकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो सनातन धर्म की बात करेगा, भारतीय संस्कृति सभ्यता की बात करेगा, राम की बात करेगा, महादेव और भगवान कृष्ण की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। अब सीधा संदेश यही है, स्पष्ट संदेश यही है, बड़ी बड़ी साजिशें फ्लॉप हो गई हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां गर्त में चली गई है, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है देश, कांग्रेस ने इस देश में हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची। 2007 में हलफनामा दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस ने दिया था, और उसके अलावा 2012 में कॉमनल वायलेंस बिल, सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल कांग्रेस लाई थी, हिंदुओं के खिलाफ साजिश, गजवा हिंद PFI करता है, PFI पे बैन लगाया है मोदी सरकार ने, 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश थी, अब सारी साजिशें विफल होंगी। एक डायलॉग आपने देखा होगा कि एक वकील जो हैं, जो इस तरीके के लोग जो सबूत मांगते हैं उनकी तरफ से बोल रही थी, वो ये कह रही थी कि राम जो है या भगवान जो है, आप लोग तो कहोगे सनातन धर्म में कि गाय को भी हम माता मानते हैं, हम जो है वो पानी में भी देवता मान लेते हैं, हम तो जो धरती में भी देवता मान लेते हैं, पहाड़ को भी मान लेते हो, तो सब कुछ फिर हो जाएगा, तो विकास जो है वो ठप हो जाएगा, सनातन धर्म जो है अगर उसके राह पे चलेंगे तो विकास रुक जाएगा। देखो, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोल दी, पर वो उन्हीं को काउंटर होगी। हिंदू कितनी बड़ी सहिष्णु संस्कृति है कि वो पेड़ों को पूज रहा है, प्रकृति को बचा रहा है। मैंने अगर मेरे पेड़ को बाप कह दिया, माँ कह दिया, प्रकृति मेरी माँ है ना, मैंने गंगा को माँ कह दिया तो गंगा स्वच्छ है, पवित्र है, उसे बचाने के लिए कहा ना। सनातन संस्कृति का तो ये मर्म है,
कि हम हर चीज़ को, पत्थर को, पहाड़ों को भगवान कह रहे हैं कि वो बचे रहें। नहीं तो विदेशों में जाके देख लो ना, सब कुछ तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया है। भारत में आज भी केदारनाथ की यात्रा हुई है, 1 अरब से ज़्यादा रुपया कमाया है सिर्फ घोड़ों पे जो खच्चर चलाते हैं उन लोगों ने। सर आप कभी वैष्णो देवी माता मंदिर जब 55,000 लोगों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है माता वैष्णो देवी का दरबार, और उसके अलावा आप तिरुपति बालाजी चले जाओ, 100 करोड़ से ज़्यादा कोरोना काल में दिए हैं उन्होंने। आप चले जाओ किसी भी बड़े मंदिर में, वो दान देता है इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए। देश में कोई आपदा आ जाती है उसके लिए मंदिरों से ही तो दान जाता है। आज भी अमेंडमेंट एंडोनमेंट एक्ट चल रहा है जो अंग्रेजों का, आज भी हमारे मंदिरों से ही तो पैसा निकाल के दूसरे धर्मों को दिया जा रहा है। हम उसका विरोध जरूर करते हैं, पर मैं बता रहा हूँ इतना दान आता है तभी तो एक संस्कृति को दिया जाता है। एक लास्ट लाइन चाहता हूँ की क्या राम सेतु जो है वो ताजमहल से भी बड़ी जो है प्यार की निशानी है और जो उसको भी लोगों को मानना चाहिए और आगे? हाँ, इस पे मैं डिफर करूँगा कि अक्षय कुमार जी ने वो बोला कि भाई ताजमहल बचाने की, क्योंकि वो भी प्यार की निशानी है और राम सेतु भी प्यार की निशानी है। माता सीता को बचाने के लिए और वहाँ से लाने के लिए प्रभु श्री राम ने ये इतना बड़ा कार्य किया था, राम सेतु बना के। वानर सेना ने पत्थर तैरे, जय श्री राम लिखे हुए पत्थर तैरे थे वहाँ पे, तो मैन मेड है ये दिखाया गया। और इसमें सर सबसे बड़ी बात ये है कि प्यार की सबसे बड़ी निशानी हिंदुओं राम सेतु है, और राम सेतु रामेश्वरम के दर्शन जरूर करें, देख के आएँ, फिल्म भी देख के आएँ, और तमिलनाडु जाके राम सेतु के दर्शन भी करके आएँ, और श्रीलंका भी होके आएँ, वहाँ पे भी प्रमाण है। रावण के तो प्रमाण है ही, राम के प्रमाण है, रावण के भी प्रमाण है। तो रामेश्वर जी जो हैं वो खुद बता रहे थे कि किस तरीके से रावण के और राम के प्रमाण जो हैं वो पूरी तरह से मिलते हैं, चाहे भारत में हो, श्रीलंका में हो। और जो लोग भी इस तरीके के सबूत मांग रहे थे, इस तरीके की मूवी अगर वो देखेंगे तो उनका भी जो है वो किस तरीके से घर वापसी की बात कही जा रही थी कि बॉलीवुड जो है सनातन के खिलाफ मूवी बना रहा था, लेकिन अब सनातन की ओर बढ़ रहा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।